दोस्तों समंदर की इस वीरानियों में ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसको ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी मशहूरी की असल वजह इसका नाम या फिर इसका पैसिफिक ओशन में बिल्कुल तन्हा होना नहीं है, बल्कि ये आइलैंड यहाँ पाए जाने वाले ड्यो कामत स्टेचू की वजह से मशहूर है। पैसिफिक ओशन के इस रिमोट आइलैंड पर हजारों की तादाद में पाए जाने वाले ये भारी भरकम स्टेचू आखिर बनाए किसने थे? क्या वह किसी और दुनिया से आए एलियन थे या फिर हम जैसे इंसान? आइए जानते हैं। दोस्तों ये बात है 1722 की, यानी आज से करीब 300 साल पहले, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रॉकगेविन अपनी बोट में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था। उसने क्या देखा कि इस आइलैंड पर पत्थर से बने कुछ स्टेचू समंदर को पीठ देकर खड़े हैं। देखने में ये स्टेचूज किसी ड्यू की तरह लगते हैं, लेकिन बड़ी महारत से पत्थर को तराश कर बनाया गया था। जैकब को यह मंजर काफी हैरान गुन लगा और तभी उसने इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू किया। पता ये चला कि पूरा आइलैंड सिर्फ चंद स्टेचू से नहीं बल्कि कई 100 स्टेचू से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ खड़े हैं तो कई जमीन पर गिरे हुए भी दिखाई दिए। जिस दिन ये एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर आया था वह दिन ईस्टर संडे का था, इसी वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस दौर में इस आइलैंड पर सिर्फ गिने चुने लोग रहते थे और ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इन स्टेचू को किसने क्यों और कब बनाया ये उन गिने चुने लोगों को भी मालूम नहीं था। बस उस दिन से लेकर यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपोर्ट के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग ये मिस्टीरियस आइलैंड सिर्फ देखने जाते थे तो कई इनके पीछे छिपे राजों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे रहते। पिछले 300 सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ चंद ऐसे सबूत तलाश किए हैं, जिसको देखकर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इस मिस्त्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुँच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड समंदर में इतना तन्हा है कि आज के समय में यहाँ पहुँचना सिर्फ प्लेन की मदद से ही पॉसिबल है, जो चिली से इंटरलैंड तक पहुँचाने में पूरे 5 घंटे लगाता है। एक नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस आइलैंड में करीब 1000 बड़े बड़े स्टेचूज मौजूद है और इन स्टेचूज को मोई कहा जाता है। इन स्टेचूज में से कई की आंखें हैं तो कई बगैर आंखों के बनाए गए थे, जबकि इनकी लंबी नाक, शार्प चीन, चिपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक ये स्टेचू 13 सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से करीब 700 साल पहले। कई स्टेचू अपनी बॉडी समेत आइलैंड के बॉर्डर पर शांत से खड़े हैं, तो कई के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े देखे जाते हैं। लेकिन 2012 में एक्सक्वेशन के दौरान एक हैरतअंगेज हकीकत से पर्दा उठा। पता ये चला कि सिर्फ इनके चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी भी है, जिसको जमीन के अंदर दफन किया गया था। इनमें से सबसे लंबे स्टेचू की हाइट 33 फीट, यानी इसकी हाइट एक पैसेंजर बस की लंबाई जितनी ही है, जबकि इसका वजन 90,000 kg बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। हैरान गुन चीज तो तब पता चली जब यहाँ एक रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को एक ऐसा स्टेचू मिला जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। एक्सपर्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कम्प्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होगा। पत्थर को तराश कर स्टेचूज बनाना और फिर इतने ज्यादा वजनी स्टेचू को आइलैंड के डिफरेंट स्पोर्ट्स पर लाकर खड़ा करना, ये एक ऐसा टास्क लगता है जो इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। लिहाजा कई सालों तक ये माना जाता था कि ये काम स्पेस से आए एलियंस ने किया है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये स्टेचू इसी आइलैंड पर मौजूद इस वॉल्केनो से निकलने वाले वॉल्केनिक एशस्टोन से बनाए गए थे, यानी ये काम यही इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के दौर में जब स्टेचू की सिर्फ आंख को पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जो पुराने दौर में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक्सपर्ट का मानना है कि फुल साइज के एक स्टेचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। यहाँ मौजूद इनकम्प्लीट स्टेचू को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि बड़े पत्थर पर वही पड़े पड़े काम करके उसको स्टेचू की शक्ल में तराशा जाता था। ऊपर वाला हिस्सा कम्प्लीट होने के बाद इसको पत्थर से अलग कर लिया जाता था,
रिसर्च टीम को तराशने की बात तो समझ में आ गई, पर अब यह समझना काफी मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनी स्टैचू को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के डिफरेंट स्पोर्ट्स तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि आखिरकार एक स्टैचू का वजन करीब 14 हाथियों के वजन के बराबर है। आज के दौर में भी अगर मशीन का सहारा ना हो तो ये काम करना इम्पॉसिबल लगता है। ये जानने के लिए कई स्टैचूज का मुआयना किया गया जो बीच रास्ते में ही गिरे हुए थे, और इन सारे गिरे हुए स्टैचूज में एक चीज कॉमन थी। जो स्टैचू किसी श्लोक पर गिरे हुए दिखे गए वह मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचू चढ़ाई पर पाए गए। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि जब ये स्टैचूज ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे, और ट्रांसपोर्ट के दौरान ही ये गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट का मानना है कि स्टैचू को रस्सियों से पकड़कर बैलेंस किया जाता था और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था। जी हाँ, स्टैचू को चलाकर आइलैंड के डिफरेंट लोकेशंस तक पहुंचाया जाता था। इस बात को प्रूव करने के लिए कंक्रीट की मदद से एक स्टैचू बनाया गया और इसके तीनों साइड पर रस्सियां बांधकर इसको बैलेंस किया गया। एक खास एंगल पर स्टैचू को झुकाने के बाद एक साइड से जब इसको खींचा गया तो स्टैचू हैरतअंगेज तौर पे आगे बढ़ने लगा। इसी तरीके से स्टैचू को 50 फीट के डिस्टेंस तक मूव किया गया, जिससे ये बात तो साबित होगी कि ईस्टर हाइलैंड पर रहने वाले लोग स्टैचू को इसी तरीके से मूव किया करते थे। लेकिन एक आखिरी मिस्त्री को सॉल्व करना अभी भी बाकी था कि ये लोग कौन थे जिन्होंने 1000 स्टैचू बनाए, और यहाँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इनकम्प्लीट स्टैचू ही छोड़ गए। एक स्टडी में बताया गया कि रापा नुई या ईस्टर आइलैंड पर किसी दौर में 17,500 लोग रहते थे। ये लोग पॉलिनेशियन थे जो यार 300 में इस आइलैंड पर आए थे, यानी 1700 साल पहले। हैरतअंगेज तौर पर तब ये पूरा आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा कि आज दिखता है। यहाँ दरख्तों से भरा एक घना जंगल हुआ करता था, और इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। ईस्टर आइलैंड में 25 अलग अलग किस्म के पॉलन एविडेंस मिले हैं, जिनमें सबसे भारी मिकदार पाम ट्री की थी। अगर यहाँ इतना ही घना जंगल था तो आखिर वह अब गया कहाँ? रिसर्च का ख्याल है कि यहाँ बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन की गई थी। ऐसा समझा जाता है कि पाम ट्री का यह जंगल यहाँ आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वह लोग फार्मर थे। उनको एक ऐसी जमीन रिक्वायर्ड थी जहाँ पर वह खेती बाड़ी कर सके और जहाँ उनको स्टैचू को मूव करने में आसानी हो। इसी वजह से शायद उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया था। बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से माहौल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह जाहिर होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो उनको कुछ पता नहीं चला, लेकिन वक्त के चलते यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, जिसकी वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा, और फिर आखिरकार यहाँ के ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। आइलैंड से कई इंसानी हड्डियों और स्केलेटन भी मिले जिन पर चोटों के निशान मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ सिविल वॉर हुई थी, जिसमें ज्यादातर खवातीन को निशाना बनाया गया था। ईस्टर आइलैंड पर खवातीन की तादाद कम पड़ जाने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई, और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच जाने वाले लोग यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले गए। आज ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जहाँ पर इन जॉइंट स्टोन स्टैचू को देखकर यकीन नहीं होता कि वाकई ये इंसानों ने ही बनाई थी। इन स्टैचू को रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था या फिर इनका कोई और ही मकसद था, इस बारे में कई रिसर्चर्स की अपनी अपनी थ्योरी है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।